ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। राहुल गांधी की सदस्यता मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। शनिवार को रायपुर में एकात्म परिसर में उन्होंने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता कांग्रेस की वजह से गई है। राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया और अहंकार में माफी तक नहीं मांगी। आज हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अब पूर्व सांसद हो गए, सूरत के न्यायालय ने 2019 के एक मामले में जिसमें उन्होंने पिछड़ा वर्ग समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, 2019 से यह मामला सूरत के न्यायालय में लंबित था। राहुल गांधी जी स्वयं 3 बार उस मामले में न्यायालय में उपस्थित हुए और उसके बाद प्रकरण की सुनवाई के उपरांत उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई गई और तत्पश्चात उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हुई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 की रिपीट सेक्शन 8 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल से 1951 के प्रावधानों के अनुरूप उनकी सदस्यता समाप्त हुई। लोकसभा का आदेश जारी हुआ, लोकसभा के सचिवालय ने आदेश जारी किया, परंतु जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुरूप जैसे ही उनको 2 साल की सजा हुई उस दिन से ही उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी, क्योंकि प्रावधान यह है विद इमीडिएट इफेक्ट, ये वर्ड तत्काल प्रभाव से, और इस दिन उनकी सदस्यता समाप्त। इन बीते 4 वर्षों में सजा से पूर्व अनेक अवसर उनके पास थे कि पिछड़ा वर्ग समाज से माफी मांग लेते और मामला समाप्त हो जाता, पर वो 4 साल तक पिछड़ा समाज से माफी नहीं मांगने की बजाय अपनी मांग पर अड़िग रहे और सजा होने के बाद जिस प्रकार की भूमिका कांग्रेस ने अपनी ली वो तो और ओबीसी समाज के जख्म पर दमन डालने वाला हुआ, उनके बयान को सही बताने का प्रयास किया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।